हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंदार एकेडमी। इंटीग्रेशन हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चन है। यह है साइन प्लस कॉस ब्रैकेट में टू कॉस प्लस साइन। एक्चुअली एक टाइप है। इस टाइप में कैसा होता है कि आपको लिखता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। इस तरीके का सवाल है। एक्चुअली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का सिंप्लीफिकेशन है, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है एन आर एन डी आर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद आपको पुट करना है टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो चलिए इस फॉर्मेट को हम लोग अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन देखते क्या है, साइन प्लस कॉस टू कॉस प्लस साइन। यह साइन प्लस कॉस टू कॉस प्लस साइन, सी सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो इस वाले ब्रैकेट को एक कॉस मिल जाएगा, विच इज साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाय कॉस टू कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, वन बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर एक्चुअली टेन का डेरिवेटिव होता है। जब ये वाले कॉस ने साइन बाय कॉस किया तो इधर आ गया टेन, कॉस बाय कॉस हो गया वन, टू कॉस कॉस डिश किया हो साइन बाय कॉस टेन। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। अगर आप टेन एक्स को टी ले रहे हो तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन का डी एक्स इधर। सो बेसिकली सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी टी। तो बेसिकली क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, ये हो जाएगा डी टी, पर हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन प्लस टी, ये हो जाएगा टू प्लस टी। क्वेश्चन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इंटीग्रेशन है वन अपॉन वन प्लस टी टू प्लस टी डी टी। अब पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट लगाते हैं तो ये जाएगा वन प्लस टी इधर, ये जाएगा टू प्लस टी इधर, इधर डी टी। तो टी को टी की जगह पे अपने को क्या लगना है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स का, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का अपन ने शॉर्टकट देखा था कि वन प्लस टी का फैक्टर है माइनस वन, तो माइनस वन हर जगह रखो तो आ जाएगा वन। ठीक है, ये शॉर्टकट जाके आप चेक कर लो। टू प्लस टी का फैक्टर क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू हर जगह रखो तो माइनस वन। तो आंसर आ चुका है आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस टी मीन्स टेन एक्स ना, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट तो पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके देख लो। तो आंसर इज वन प्लस टेन अपॉन टू प्लस टेन इन द लॉग, दिस इज द फोर्थ वन विच इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सवाल था। अगला देखो, एक्चुअली ये ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट का सवाल है। तो अगर आप इसका इंटीग्रल लेते हो तो आंसर आता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स। सो एनी वेज ये क्वेश्चन करा दूँ क्या, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है जगह पे ही। क्योंकि देखो इट इज़ आई इक्वल टू इंटीग्रल, अगर आप एक्स को स्प्लिट कर दो तो आ जाएगा ई रेस टू एक्स वन अपॉन एक्स, इधर आ जाएगा वन अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स कट, इधर आ जाएगा लॉग एक्स dx। So final answer is I equal to e raised to x 1 upon x log x, 1 upon x का derivative minus 1 upon x log x का derivative 1 upon x, सही है। So e raised to x f of x is the answer। और जैसे कि आप देख पा रहे हो e raised to x है, ये function दिख रहा है अपने को straight forward, और उसका derivative क्या है, ये उसका derivative है। So e raised to x log x is the answer, that's it। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया 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 सवाल है। बढ़िया होने के पीछे रीज़न है, एक मैं बताता हूँ। ये इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स
अब ये है log x नहीं है, अभी आपको लगेगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, e की पावर x है क्या, नहीं वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, वो सही है अपनी जगह पे, एक्चुअली ये e इंटू x है, तो log e इंटू x है, तो log log ए बी क्या होता है, log a प्लस log b, log ए बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो log e x क्या होगा मुझे बताओ, log e x होगा log e प्लस log x, ठीक है, और ये पावर में माइनस टू है, एक्चुअली ये कट होके नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर पावर में माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली log e x का जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लॉग में जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं तो प्लस के साथ में सेपरेट होती हैं, ठीक है, लॉग ई इज़ वन एज यू नो दैट, लॉग एक्स एज इट इज, सो इट इज़ वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। आगे क्या हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पे है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं हो रहा है, लॉग एक्स इसमें सबसे बुरी चीज़ है, अपन ने सब्सटीट्यूशन का रूल देखा है, सब्सटीट्यूट बैड एस्ट्री, सबसे पहले तो अपने पास ये सवाल था क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं था, अपन ने सिस्टमेटिक लिखा, सिस्टमेटिक लिखते लिखते ऐसा है, अब इसमें पता चल रहा है कि लॉग एक्स इज अ बैड टर्म, तो पुट बैड एस्ट्री, तो लॉग एक्स को अगर आप टी लोगे तो एक बात नोटिस करो, पता है क्या कि लॉग एक्स को आपने टी लिया तो फंडामेंटल लॉग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे कि लॉग को एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है कि जो बेस है वो इसके साथ जाता है, तो इट इज़ ई रेस टू टी इज इक्वल टू एक्स, ये हमने लॉगरिथम में देखा है, अब इसका सब्सटीट्यूशन करना है तो ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी, बट वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो आ जाएगा ई रेस टू टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने को आ गया है, देखो कैसे, ये है आई इक्वल टू वॉट, लॉग एक्स तो हो गया टी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, और देखो डी एक्स हो जाएगा ई रेस टू टी डी टी, अब आप सोच रहे होंगे खत्म कैसे हुआ, अरे बहुत ही सिंपल है, ये है ई रेस टू टी इधर, ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर है टी नीचे है वन प्लस टी, देखो नीचे है वन प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर है टी, तो क्या मैं टी में प्लस वन माइनस वन कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकता हूँ, और ये रूल भी है कि एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, जब यहाँ तक क्वेश्चन आया तब मुझे सबसे बुरी चीज़ क्या लग रही है, द बैड थिंग आई कैन ऑब्जर्व इज द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर नहीं रहता था तो हम ई रेस टू टी और टी को इंटीग्रेट कर सकते थे इंटीग्रेशन में पार्ट से, सो सबसे बुरा है डिनोमिनेटर, कैन आई किल द डिनोमिनेटर, यस, तो क्या कैन आई एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो अपन ने न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्सप्रेस किया बाय पुटिंग प्लस वन एंड माइनस वन, तो अपन ने प्लस वन माइनस वन इंट्रोड्यूस कर दिया, ये कट गया यहाँ पे, ये बच गया ई रेस टू टी वन अपॉन टी कट, ये जाएगा वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो वन अपॉन वन प्लस टी का डेरिवेटिव बताओ, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो इट इज लाइक ऐसा, सो ये आ जाएगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है वन अपॉन वन प्लस टी, टी क्या है ई रेस टू टी क्या है, एक्चुअली ई रेस टू टी है हमारा, देखो ई रेस टू टी है एक्स, सो इट इज एक्स वन प्लस टी, टी क्या है लॉग एक्स, एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, एंटर एंड इट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, देखने में काफ़ी लगा रोलर कोस्टल वाला रहेगा बट काफ़ी ईजी था, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, देखो अगला सवाल बहुत ही सिंपल है,
अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू. व्हाट द थिंग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स. सी बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है, सबसे बुरा क्या है रूट एक्स, सो रूट एक्स को टी ले लो. डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स. सो रूट एक्स तो टी था तो वो वापस इधर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो डी एक्स जंप मार के इधर आ जाएगा, रूट एक्स क्या है टी, तो टू टी इधर चले जाएगा, टू टी डी टी. ओके मैन, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स कैन बी रिटेन एट वॉज टी, ठीक है. डी एक्स क्या है, डी एक्स बेचारा है टू टी डी टी. अब तो क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया, सोचो कैसे, क्योंकि टू बार फेंक दिया, ऊपर क्या कर दिया टी में वन प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, और नीचे क्या है वन प्लस टी तो ऑलरेडी है, वन प्लस टी तो नीचे ऑलरेडी है. अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व जगह पे ही हो गया, सोचो कैसे, सेम अपॉन सेम आ गया वन. बस इसका इंटीग्रेशन लेना है, आए तो आए हैं, वन का इंटीग्रेशन ले लें, चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते हैं. वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा वन एक्स, टू का टू एक्स, तो टी के रिस्पेक्ट में है तो वन टी आ जाएगा. वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस टी. ठीक है, तो एक्चुअली टी क्या था, टी था रूट एक्स था. सो फाइनल आंसर इज आई इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस लॉग ऑफ वन प्लस रूट एक्स. अब एक्चुअली यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, दैट इज जीरो से चार तक. तो एक्चुअली आप कर लोगे पर फिर भी मैं बता देता हूँ, अपर लिमिट है चार, चार का स्क्वायर रूट दो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ चार दो माइनस लॉग पाँच. ठीक है, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट में जीरो रखा काम खत्म, इधर जीरो रखा तो आ जाएगा वन प्लस लॉग वन प्लस जीरो, क्योंकि रूट रूट एक्स की जगह पे अगर जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, तो लॉग वन टू बेस ई जीरो होता है तो जीरो आ जाएगा, लिख ही नहीं रहा. सो आई इज इक्वल टू फोर माइनस टू लॉग फाइव, देखो देखो कहाँ है फोर माइनस टू लॉग फाइव. ठीक है, नहीं मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, फोर माइनस टू लॉग फाइव नहीं मिल रहा है तो एक्चुअली इन्होंने ई के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फोर को फोर इंटू वन लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं. ठीक है, वो लोग ही है जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ही है जो किसी को नीचे गिराते हैं, तो यहाँ पे टू ऊपर चले जाएगा, वन को लिख दो लॉग ई, इधर आ जाएगा लॉग फाइव का स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव. सी आगे का सीन बड़ा सिंपल है, फोर इधर ऊपर चले जाएगा तो इधर आ जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू फोर माइनस लॉग फाइव का स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव, लॉग ई माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ई रेस टू चार अपॉन पच्चीस. हाँ, कोई मिस्टेक की है क्या? यस, मैंने मिस्टेक किया है, क्योंकि देखो इधर फोर रखेंगे, जब अपर लिमिट में जब यहाँ पे फोर रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर था टू, तो लॉग थ्री आना चाहिए था. समझे समझे समझे. समझे, तो इधर आना चाहिए था थ्री. चलो इरेज ही कर देते हैं इनको. ई रेस टू फोर अपॉन नाइन, इट इज द करेक्ट आंसर. दैट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.
देखो अगला सवाल है, देखने में बड़ा अजीब है बहुत सिंपल। सबसे बुरी चीज़ क्या है ई की पावर में ऐसी अजीब चीज़? तो बेसिकली गड़ी का बच्चा भी जानता है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन उसे ही किया जाता है जो सबसे बुरा हो। तो 1 + x + x² 1 + x². अब जैसे कि आप सब जानते हो सबसे बुरी चीज़ क्या है, tan इनवर्स x। तो अपन tan इनवर्स x को t ले लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 + x², d हो जाएगा dt/dx। सो बेसिकली इट इज़ हो जाएगा 1/1 + x² dx = dt। सो ये I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e^2t, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 + x² dx मतलब ये पूरी शक्ल, ये पूरे मिलके क्या बन जाएंगे, tt, ठीक है। आगे का सीन मैं बताता हूँ क्या है। tan इनवर्स xt है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सिंपल सिंपल सी एक पिक्चर है कि अगर tan इनवर्स ऑफ x अगर t है, tan अगर उधर जंप मार के जाता है तो आ जाएगा tan t, x इज इक्वल टू tan t, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 + tan t। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ उसे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा tan स्क्वायर। जैसे कि आप सब जानते हो tan इनवर्स x t था, tan को उधर भेज दिया तो tan t, x इज इक्वल टू tan t, तो x की जगह पे tan t रख दिया अपन ने, और dx क्या बन चुका है, dx बेचारा क्या बन चुका है, dt बन चुका है। 1/1 + x² dx क्या बन चुका है, dt बन चुका है। अब यहाँ पे अपन सोच रहे हैं कि करें क्या, ये तो फॉर्मेट कुछ देखा हुआ लग रहा है, ये e^x f(x) f(x) वाला फॉर्मेट है। तो हम बेसिकली एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, 1 + tan² sec² होता है, क्यों ऐसी फीलिंग क्यों आई, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है sec², तो मैंने tan को साइड में छोड़ दिया, tan को अपन ने क्या किया साइड में छोड़ दिया, 1 + tan² को sec² बना लिया। सॉरी t चल रहा है ना सारा खेल, t का चल रहा है सारा खेल, इट इज़ t। ओके तो एक्चुअली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा जोर लग गया। पहला सबसे बुरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया जो कि आपके सामने थी e की पावर में, ऐसी गंदी चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। सब्स्टिट्यूट करा ऐसा है, तो अपने को tan को तो कुछ करते ही नहीं आ रहा है, 1 + tan² sec² हो रहा है, सुन के ही बहुत खुशी है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec² होता है, और बाहर e^x दिखा तो अपने को पता है कि इट इज़ e^x f(x) f(x) फॉर्मेट, जिसमें एक डेरिवेटिव होता है एक फंक्शन होता है। tan तो है, उसका डेरिवेटिव sec² भी दिख रहा है, sec² इज व्हाट, इज नथिंग बट 1 + tan², तो बस 1 + tan² को sec² रख दो। अब फाइनल आंसर इज e^t f(x) कितना है, tan t। t क्या था मुझे बताओ, tan इनवर्स x ना, tan इनवर्स tan कट गया, x इंटू e^tan−1x, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे बुरी चीज को t ले लो। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आज नहीं कल नहीं तो परसों आपके मेहनत का रंग दिखने लगेगा, और अगर आपकी मेहनत विजिबल नहीं है, हो सकता है इसमें टाइम लगे, बट यू शुड नॉट एग्जिस्ट। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू बैड फेज कीप गोइंग, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम कंडीशन विच इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, तो किसी टेम्पररी पेन से गुजर रहे हो, आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, तो रुको मत, मेहनत करते रहो और उससे आगे निकल के ज़रूर 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 आप ऐसे मकाम पर पहुंचोगे जो आपको चाहिए। सो इफ़ यू आर नॉट एट योर डेस्टिनेशन डोंट स्टॉप, दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू स्टॉप, कीप वर्किंग कीप मूविंग, बिकॉज यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। और जो बोलते हैं ना किस्मत मेहनत लक, किस्मत लक भगवान, ये सब सेकेंडरी है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको लक भी कभी साथ नहीं देगा। सो कीप वर्किंग, दिस इज AK मंदन, आई विश यू ऑल द बेस्ट।